जीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 जूलॉजी प्रैक्टिकल की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल है वो आएगा तकरीबन 8 मार्क्स का, और वो 8 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो सबको अटेम्प्ट करना होगा वो है हमारे पास डाइसेक्शन। अच्छा, यहाँ पर सबको अलग अलग डाइसेक्शन मिलेंगे। डाइसेक्शन में आपको याद दिला दूं कि नॉर्मली तौर पर जो बोर्ड की स्कीम है उसके हिसाब से फ्रॉग के चार सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इनमें आपके कॉलेजेस में कौन कौन से कराए हुए हैं आप उन्हीं के ही प्रिपरेशन करिएगा, ये चार होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉकरोचेस के सिस्टम होते हैं, कॉकरोच को डाइसेक्ट करना होता है, और अर्थवॉर्म को, ये तीनों ही आते हैं, ठीक है। ये तीनों आते हैं, किसी के पास कुछ आएगा, किसी के पास फ्रॉग आ गया तो अगले वाले के पास कॉकरोच, तो अगले वाले के पास जो है वो आ गया हमारे पास अर्थवॉर्म, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली इसकी डाइसेक्शन करनी होती है। अच्छा, वही बात है कि आपका कॉलेज कितना स्ट्रिक्ट है ये आप लोग खुद जानते होंगे, आपने साल भर गुजारा है, और वो कितना कोऑपरेटिव है ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो कभी होता है कि हैंडलिंग कराते हैं, और कभी होता है कि अगर आप प्रॉपर हैंडलिंग नहीं भी करते तो वो इग्नोर कर देते हैं, वो बस ये कहते हैं कि आप जो है वो कॉपी अच्छी तरह लिख दीजिए। जैसे मेरे अपने कॉलेज में मेरे पास कॉकरोच आया था और मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट ने जो डाइसेक्शन किया हुआ था कॉकरोच का, मुझे वो डाइसेक्ट हुआ हुआ कॉकरोच ही मिला था, ठीक है। तो मुझे हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं पेश आई थी, तो बस मुझे लिखना था। तो ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है, मैंने ये भी सुना है कुछ अपने फ्रेंड से या और दूसरे बच्चों से जो बताते हैं, यार हमारी बहुत सख्ती थी, उन्होंने तो एक एक चीज पूछी, ये क्या है, इसको ऐसे कट क्यों नहीं किया। तो आप लोग अपने कॉलेज के हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। अगर स्ट्रिक्ट कॉलेज है आपका, स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से सिखाया गया है, इट्स मीन कि वो प्रैक्टिकल भी फिर स्ट्रिक्टली लेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, इनका डाइसेक्शन होगा। अच्छा, इनमें मैं बता दूं, डाइसेक्ट करना, और फिर जब आपके पास एक्सटर्नल या इंटरनल ही होता है तो उसे बताना होता है आपको, जी ये इसका लंग है, ये इसका ये है, इन तमाम चीजों के आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और 0.5 मार्क्स आपके डायग्राम के होंगे। डायग्राम को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है भाई। अगर आप एक सवाल पूरा करते हैं तो ये आ गए आपके 2 मार्क्स। अच्छा, स्लाइड टू प्रिपेयर अ टेम्पररी स्टेन स्लाइड विद, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी, ये भी आप में सबके पास ही आएगा, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन सबके पास आएंगे, बस सिर्फ जो है वो हमारे पास मटेरियल डिफरेंट होगा। अच्छा, इसमें आपके पास क्या क्या आ सकता है? नॉर्मली तौर पर इसमें सब चीजें नहीं होती, यानी कि बोर्ड की तरफ से चार चीजें चारों की चारों इंक्लूड नहीं होती। ऐसा करता है कॉलेज वाले, 2 रख देते हैं ऑल्टरनेट, एक को एक दिया, दूसरे को दूसरा, फिर तीसरे को पहला, चौथे को दूसरा, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, जो आपने स्लाइड बनाई होगी, सेलिएटेड एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग हो गया, रेक्टल कंटेंट ऑफ फ्रॉग हो गया, और ब्लड ऑफ फ्रॉग हो गया, ठीक है। ये आपको लिए जाते हैं, जो हमें आसानी से मिल जाती है चीजें वो हमारे पास ये एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग ही होते हैं, तो ज्यादातर यही रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो है वो कॉलेज में बाकी के 2 भी रख दिए जाए। बहरहाल, इसमें आपको क्या है, आधा मार्क्स आपके डायग्राम के हैं और आधे मार्क्स जो है वो आपकी स्लाइड स्टेन के। इसमें लिखने का एक क्या चीज है, इसमें लिखने की सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनानी है, बाकी आपको स्लाइड इसकी करनी होगी, और वो जो कैरेक्टर्स लिखवाए होंगे इसके, बस सिर्फ वो 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर आपको लिखने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के, स्लाइड प्रिपरेशन के वो 0.25 दे देंगे, और 0.25 उन 4 कैरेक्टर्स के दे देंगे, और बाकी आधा मार्क्स आपके वेल लेबल डायग्राम के हैं, ठीक है भाई। फिर आता है हमारे पास, अच्छा ये होता है या ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। यहाँ पर मेरी बात गौर से सुन लीजिए, अगर आपके कॉलेज में फिजियोलॉजिकल टेस्ट कराए हैं तो इसका मतलब ये चॉइस आएगी, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से चॉइस है, आएगी आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपके कॉलेज में फिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं कराए तो इसका मतलब वो आपको ये चॉइस देंगे ही नहीं, वो डायरेक्टली आपको यही सवाल देंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात, कंफ्यूजन दूर, या अगर कराए हैं तो, और ये 2 ही हैं, एक तो मेरे ख्याल से वो ब्लड प्रेशर का होगा, ब्लड प्रेशर कराया होगा आपको कि वो ब्लड प्रेशर की एक्टिविटी, और एक जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो, इसके 2 ही फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें से कोई एक आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग के 3 सेक्शन, ये 3 आपके पास स्पॉट्स होंगे। पहला स्पॉट स्लाइड पर होगा, उसका क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आपने नाम लिखना है जो भी स्लाइड पे है, स्लाइड में अम्यूबा है, बिन फर्जे महाल,
तो आपने लिख दिया जी अमीबा। अमीबा के बाद उसके तीन करेक्टर लिख दिए। तीन करेक्टर के बाद आपने अमीबा की डायग्राम भी बनानी होगी, जो स्लाइड में होगा उसकी डायग्राम भी बनानी होगी। दूसरे और तीसरे स्पॉट में डायग्राम नहीं होगी। एक स्पॉट इनवर्टिब्रेट का है, इनवर्टिब्रेट में आपके पास आपने लिखना होगा उसका किंगडम, जो भी आपने लिख दिया भाई मैंने पहचान लिया है ये है, ठीक है। अब उसका किंगडम लिखना है, उसका फाइलम लिखना है और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो जो तीन कैरेक्टर होते हैं वो लिखने होंगे। एक आपके पास स्पॉट होगा वर्टिब्रेट का, जिसमें किंगडम फाइलम के साथ क्लास भी लिखनी होगी, क्योंकि वर्टिब्रेट में क्लास भी आ जाती है। इसके अलावा रीजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको लिखना होगा कि आपने क्या, वो जो तीन कैरेक्टर्स होते हैं वो लिखना है। इन दोनों में, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डायग्राम नहीं है, लेकिन स्लाइड में डायग्राम है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद बाइवा वन मार्क का होगा, रिलेटेड टू आपके डाइसेक्शन से कि आपने डाइसेक्शन किसका किया है, उससे रिलेटेड बाइवा कर सकते हैं, स्लाइड के प्रोफेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। इन जनरल वाइवा भी हो सकता है, जनरल वाइवा यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है तमाम चीजों में से। जर्नल, सर्टिफाइड जर्नल का आपका एक मार्क होगा। इस तरीके से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।